हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो गाइस, आज हमारे पास है बहुत ही खूबसूरत बाइक कावासाकी की तरफ से निंजा JX 25R। लास्ट ईयर कावासाकी ने इस बाइक को लॉन्च किया, बट दुख की बात यही है गाइस, इंडिया में ये जो बाइक है अभी अवेलेबल नहीं है। तो आज मैं इसका टोटल स्पेसिफिकेशन, प्राइस, लॉन्च डेट, क्यों अब तक कावासाकी ने इस बाइक को इंडिया में लॉन्च नहीं किया, सब कुछ गाइस इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। गाइस, अगर हम इस बाइक का फ्रंट लुक्स की बात करें, साइड प्रोफाइल की बात करें, पीछे से देखें तो भाई बाइक बहुत ही शार्प दिखता है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। फ्रंट लुक्स की बात करें तो दिस इज JX 6R इंस्पायर्ड एंड निंजा 650 एंड 400 से भी गाइस इसका जो फ्रंट लुक्स है थोड़ा सा सेम ही है। बट गाइस 400 एंड 650 के फ्रंट में कोई एयर इंटेक नहीं मिलेगा एंड इस बाइक का फ्रंट में एयर इंटेक है, जैसे कि देख सकते हो दिस इज JX 6R इंस्पायर्ड फ्रंट प्रोफाइल। गाइस, अगर हम इस बाइक का फ्रंट हेडलाइट की बात करें तो दिस इज SMS निंजा 400 650 JX 6R, किससे भी गाइस आप इसका कंपेयर कर सकते हो। गाइस, अगर हम पीछे का टेल लाइट की बात करें तो दिस इज JX 10R इंस्पायर्ड एंड निंजा JX 6R एंड निंजा 400 में भी गाइस आपको सेम टेल लाइट मिलेगा। गाइस, अगर हम इस बाइक का इंडिकेटर की बात करें तो निंजा JX 10R एंड निंजा H2 को छोड़ के गाइस सभी कावासाकी बाइक में जिस तरह इंडिकेटर आता है बॉडी इंडिकेटर, इस बाइक में भी गाइस सेम ही इंडिकेटर मिलेगा, जैसे कि देख सकते हो वाइजर में इंटीग्रेटेड बॉडी इंडिकेटर है। एंड अगर हम पीछे का इंडिकेटर की बात करें तो उसमें भी गाइस LED नहीं मिलेगा, हैलोजन ही मिलेगा, बट ऑल्दो जो लुक से गाइस बहुत ही खूबसूरत है। गाइस, नेक्स्ट जो चीज आता है दैट इज टायर। अगर हम इस बाइक का टायर की बात करें तो फ्रंट में 110/70 सेक्शन का टायर मिल जाएगा, अगर हम पीछे का बात करें तो 150/60 सेक्शन का टायर मिलेगा। एंड कंपनी ने इसके अंदर डनलॉप की टायर डाला है, जो कि भाई SMS निंजा 400 उसके अंदर भी गाइस सेम ही टायर आता है। गाइज, अगर हम इस बाइक का ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इट कम्स विद डुअल चैनल ABS एस स्टैंडर्ड। अगर हम फ्रंट डिस्क की बात करें तो दिस इज 300 mm, अगर हम पीछे का बात करें तो दिस इज 240 mm। एंड जो कैलिपर आपको मिल जाएगा, निसिन के कैलिपर मिल जाएगा, ऑल्दो गाइज जो ब्रेकिंग क्वालिटी है दैट इज वेरी गुड। गाइज, अगर हम इस बाइक का फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो इट कम्स विद 43 mm USD फोक्स, जो कि भाई हाई स्पीड में बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। एंड अगर हम पीछे का बात करें तो पीछे में कंपनी ने इसके अंदर मोनोशॉक डाला है, दैट इज ऑल्सो 5-step एडजस्टेबल। गाइज, अगर हम इस बाइक का मीटर कंसोल की बात करें तो इट कम्स विद सेमी एनालॉग डिजिटल मीटर, जो कि भाई SMS निंजा JX 6R। एंड कंपनी ने ये जो मीटर है गाइस इसको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना दिया, जैसे कि इसके अंदर ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्ट्रिप लाइट, माइलेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, इनसाइड आउटसाइड टेम्परेचर, साथ ही साथ गाइस इसके अंदर क्विक शिफ्टर भी है, आप चाहोगे तो भाई इसके अंदर ऑटो ब्लीपर भी डाल सकते हो। मैंने पहले ही आपको बोला गाइस ये जो बाइक है थोड़ा सा ट्रैक फोकस है। गाइस, अगर हम इस बाइक का फ्यूल टैंक की बात करें तो इट कम्स विद 15-liter टैंक, साथ ही साथ गाइस जो माइलेज आपको मिलेगा अप्रोक्स 15-20 तक माइलेज मिल जाएगा। गाइस, दिस इज इनलाइन 4 मशीन, सो इससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इस बाइक से। गाइस, फाइनल जो चीज पे आता है दैट इज इंजन। अगर हम इस बाइक का इंजन की बात करें तो दिस इज 249cc इनलाइन 4 16-valve लिक्विड कूल इंजन एंड पुट आउट मैक्सिमम पावर ऑफ 51 bhp 18,000 rpm। अगर हम टॉर्क फिगर की बात करें तो 23 Nm टॉर्क एट 15,000 rpm। साथ ही साथ गाइस इस बाइक का जो टॉप स्पीड मिलेगा अप्रोक्स 200 तक भाई ये जो बाइक है चला जाता है। दिस इज ओनली 250cc बाइक बट गोस अराउंड 200 km/h। गाइस, अब आता है इसका प्राइस में, कावासाकी ने क्यों इसको इंडिया में लॉन्च नहीं किया। गाइस, ये जो बाइक है अगर इंडिया में लॉन्च होगा तो कम से कम भाई जो प्राइस होगा 8 to 9 lakhs रुपए इसका प्राइस होगा। एंड गाइस, आप लोग जानते हो 8 to 9 lakhs में आपको बहुत सारे बाइक मिल जाएगा, जैसे कि निंजा 650 है, जो कि भाई इससे काफी ज्यादा पावरफुल है। गाइस, जो प्राइस है कावासाकी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, बिकॉज हम लोग जानते हैं गाइस बेंटली 600i जब इंडिया में था उसका जो प्राइस था 6 to 7 lakhs था एंड दिस इज 250cc इनलाइन 4 मशीन, कावासाकी ने चार्ज कर रहा है भाई 8 to 9 lakhs। हम लोग जानते हैं गाइस, और अगर थोड़ा पैसा आप ऐड कर दोगे तो CBR 650R आपको मिल जाएगा 10 lakhs समथिंग में एंड Z900 भी आ रहा है गाइस। सो आपके पास गाइस इससे बहुत ज्यादा बेटर ऑप्शन है। सो कावासाकी ने इसलिए गाइस इस बाइक को इंडिया में लॉन्च नहीं किया एंड फ्यूचर में देखते हैं गाइस कावासाकी ने इसको लॉन्च करता है या फिर नहीं करता है। सो गाइस, इस बाइक के बारे में आपका क्या राय है डेफिनेटली कमेंट करके बोलना एंड कौन सा बाइक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो वो भी गाइस कमेंट करके बोलना एंड इस प्राइस सेगमेंट में इसको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए वो भी गाइस कमेंट करके बोलना। तो चलो गाइस, सी यू सून, बाय बाय, लव यू।